पैसा दे आधा तो काम मिले, ना पैसा दे तो ना तो काम मिले। मतलब मनरेगा काम करने के लिए पैसा भी लिया जाता है? जी जी, राशन में 1.5 किलो कम रहता है, 1.5 किलो कांटा का बाल्टी लगा के तोलते हैं। बाल्टी लगा जी के जी, बोरी में नहीं देते, बाल्टी लगा के तोलते हैं। हाँ, बाल्टी में तोल के हमारे बोरी में डाल देते हैं, हम चले आते हैं। मैं हूँ राकेश कुमार मिश्रा, मैं है अगोराबाद गोहली में। यहाँ से हम, ये दादाजी हैं जिनसे हम पूछते हैं। अच्छा अच्छा, समस्या ये है कि सबसे पहले तो गांव की वो पुलिया टूटी हुई है, पुलिया जरूरी बना, बिना पुलिया के बने बहुत नुकसान है। पुलिया कब से टूटी हुई है? अरे वो चक्कर उक्कर जाते हैं तो टूट जाती है, और वैसे पानी वहा नहर का पानी आता है कभी कभी, तो जब भर जाता है बरसात से टूट जाए। कितने दिन से? जब से शुरू है तब से है, करीब 2-3 साल हो गए। एक है गांव की रास्ता वो जो कि बनी हुई है, ये है वहाँ तक आंगनबाड़ी तक 13-14 फीट की सड़क है, और उसके बाद एक आदमी का खेत, उस खेत से चले जाते हैं, मगर सड़क नहीं है, उसी खेत में पूछा उसका जाम जामा है, और अपन लेके चले जाते हैं, पंडित का खेत आए। गांव में जो है, मतलब ये आपका जो है ये पानी भरा हुआ है, ये इसके लिए क्या करेंगे इधर आने जाने के लिए? अब इसमें यही है कि ये सड़क कंप्लीट हो जाए, ऊंचाई में आ जाए तो पानी चला जाए, अब आके वो रहे बना है तो पानी जाए वो तालाब में चला जाता है। तो इसके लिए जो है, मतलब आने जाने में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो है जी। हाँ, ये प्रधान कौन है यहाँ की? क्या नाम है? अमरावती हरजन। तो यहाँ साफ सफाई को क्या? साफ सफाई आता गाड़ी लेके आवाज देखा रहा था, और जहाँ देखे फेंक देने अंदर कूड़ा करकट पारा रहा, आगे जाके देख सको कूड़ा करकट पारा। दूसरी बात, थोड़ा सा सड़क इसलिए बिगड़ गई कि टंकी नहीं बनी, और ठीक हो गया नाली का मारखंडा ही जितनी ईंचा सब ढो ले गए, यह नाली पड़ी है, अब टंकी नहीं बनी। नल गड़ गए? नल, हाँ, नल नहीं गड़े हैं। कहाँ गड़े गड़े? हाँ हाँ, नल गड़े हैं, मगर ये है मैं जितना बताया जिस लग गए हैं वो सब ईंटा गायब हो गया, माटी पहले नहीं पड़ी, साफ रही पहले। ठीक है, मैं आता हूँ। इधर एक सज्जन और हैं, आप बताइए यहाँ क्या क्या दिक्कत है आपको? एक तो इस मोहल्ले का रास्ता किसी कहीं से नहीं है, इस मोहल्ले चाहे बीमार हो चाहे चार पाई पर ले जाए, मगर ये है कि 1 किलोमीटर और इस मोहल्ले का रास्ता जी नहीं है, हमको आने जाने में दिक्कत होती है। और अभी ये सड़क ऊँची नहीं है, प्रधान को गए बेटियों को दरखास्त भी दिया है सर, मगर आज तक कहीं बैठक में हो जाएगा बन जाएगा, आज तक कोई नहीं बना, 5 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं। भाई आप कहाँ तक गए थे? हम ब्लॉक तक गए हैं जी, बस ब्लॉक तक पहुँचना, ब्लॉक गए हैं, बस वीडियो साहब से भी कहे हैं कि साहब हाथ जोड़ के कि साहब ऐसा है कि हम नाम कट गया है नरेगा में, हम गरीब आदमी, हमको भी काम चाहिए। तब अर्जुन ने हमको कहा कि इंदा वाले नेता को काम नहीं देता तो दुखो, हाँ वहाँ ये धमकी दिया, मारने की धमकी दिया। उसके बाद फिर कुछ देर रहे, भूतपूर्व प्रधान को, मौला को भी, संतोष कुमार विश्वकर्मा को भी गाली दिया। उसके बाद हम चले। संतोष कुमार विश्वकर्मा कौन थे? भूतपूर्व रामबाबू प्रधान के भाई हैं, तो वहाँ 10-12 अधिकारी थे, भी हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाल के प्रधान पागल प्रधान यहाँ भाग जा, तो हमको चुप कराए, हम चुप रहे थे, फिर ही चले आए। कहा ये क्या मुझे ये, हम कहा किधर कहीं से आएंगे भाई, मारना है तो मार देना, हम चाहेंगे तो भाई, तब फिर साल चले आए हम। और आपको जो है मनरेगा से जो है, मतलब उसमें आपको नहीं रखा जाता? मनरेगा हमारा नाम काट दिए वो राम बाबू जो भूतपूर्व प्रधान है, उनके राज में किया है, इनके राज में इनका यह है कि पैसा दे आधा तो काम मिले, ना पैसा दे तो ना तो काम मिले। मतलब मनरेगा काम करने के लिए पैसा भी लिया जाता है? जी जी, लिया जाता है। कितना? अब यह है कि अगर 5,000 लगाए तो 2,500 इनको दो, 2,500 तुम लो।
जी। तो हम जब काम करेंगे तो हम पैसा नहीं देंगे, साफ सी बात ही। और यहाँ राशन पानी के लिए क्या मतलब, यहाँ राशन वाशन आपको मिलता है? राशन मिलता है सर, मगर राशन मिलता है, राशन में 1.5 किलो कम रहता है, 1.5 किलो कांटा का बाल्टी लगा के तोलते हैं। बाल्टी लगा जी के जी, बोरी में नहीं देते, बाल्टी लगा के तोलते हैं। हाँ, बाल्टी में तोल के हमारे बोरी में डाल देते हैं, हम चले आते हैं। अब कहोगे तो न मिलेगा राशन। तो 5 किलो में कितना कम रहता है? मानो हमको 25 किलो मिलता है, 1.5 किलो हमको कम रहता है जी। मतलब तौलते कैसे? बाल्टी में भर के तौलते हैं, अब फिर बाल्टी से हमारे बोरी में डाल देते हैं। बोरी में आपके नहीं, बोरी में आपके जो है मतलब? नहीं, बोरी में नहीं तौलते हैं, बाल्टी में। हाँ, ऐसे मिलता है। आपके यहाँ जो मतलब कोटेदार कौन है? ओम प्रकाश जी। तो ये मतलब इनकी मतलब सही ढंग से राशन भी नहीं दे? अब उतना देते हैं जी, 25 किलो हमको 1.5 किलो कम मिलता है, बाल्टी लगा के तौलते हैं, अब बाल्टी उठा के बोरी में भर देते हैं, हम चले जाते हैं। आपकी बोरी में भर के वजन नहीं करते? ना जी, ना ना ना, कभी नहीं? ना ना ना, ये कभी नहीं होता हमारे। नहीं, कई आदमी यानी पूरे जो जानता सही विचार कर देते हैं चोरी में, बाकी किसी आदमी को बाल्टी में भर के तौल के तब देंगे। कितने दिन से ये कोटेदारी कर रहे हैं? लगभग बहु क्या, कौन साल हो? 2 साल। मानो जब तब से राशन मिलता है तब से देते हैं, ब्याज नहीं। कोटेदार का नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी।